फ्रेंड्स, ये है हमारा सेल्फ स्टार्टर मोटर। स्टार्टर मोटर में एक निगेटिव पोल होता है और एक पॉजिटिव पोल होता है, जिसमें बैटरी का डायरेक्ट मेन वायर लगता है, और एक जो सोलेनोइड स्विच में लगता है, 10 नंबर या 8 नंबर नट बोल्ट रहता है उसमें। ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, और ये हो गया सोलेनोइड। ये सोलेनोइड हो गया। अब हम इसमें कनेक्शन कैसे करेंगे? जैसे ये हमारा बैटरी है, ये बैटरी है जिसका ये पॉजिटिव पोल है और ये निगेटिव पोल है, और ये है हमारा इग्निशन स्विच, यानी ये चाबी स्विच है। चाबी स्विच में 3 वायर होता है, एक ये है हमारा इनपुट, ये इनपुट है, और ये दोनों आउटपुट है। अब जो हमारा बैटरी का जो पॉजिटिव वायर है, वो हमारा चला जाएगा इनपुट वायर में, जो इग्निशन स्विच का इनपुट है। ये हमारा इग्निशन स्विच में चला गया। अब हम जैसे ही चाबी ऑन किए, तो इस वायर में ये करंट जो इसमें गया, वो इस वायर से बाहर निकला, तो ये हमारा इग्निशन स्विच का मेन वायर हो गया, इग्निशन स्विच का पॉजिटिव, और ये बैटरी का पॉजिटिव है। ये बैटरी का पॉजिटिव, ये इग्निशन स्विच का पॉजिटिव वायर है। अब ये हमारा जो इग्निशन स्विच का पॉजिटिव है, ये जाता है स्टार्टर का जो रिले होता है, स्टार्टर रिले, उसमें जाता है। ये हमारा स्टार्टर रिले में, ये है रिले, स्टार्टर रिले, ये स्टार्टर रिले है, जिसमें 4 पिन होगा। स्टार्टर रिले में ऐसा पिन होता है, ये 4 पिन ऐसा सीधा सीधा पिन होता है, जिसमें एक 30 होगा, एक 86, 87 और एक 85 होगा। जैसे ये हमारा 30, 85, 86, ये 86 और ये 87, तो ये हमारा जाएगा जो फ्यूज़, यहाँ पे एक फ्यूज होगा, ये एक फ्यूज लगेगा 10 एम्पियर का, ये हमारा एक फ्यूज है 10 एम्पियर का, और फ्यूज होकर ये 30 में जाएगा। ये हमारा रिले का इनपुट पिन है और ये आउटपुट पिन है। ये इनपुट में हमारा इग्निशन स्विच का मेन आया, और 85 जो है, 85 इसमें बैटरी का निगेटिव वायर आके कनेक्ट हो जाए। ये हमारा बैटरी का निगेटिव हो गया, ये इग्निशन स्विच का मेन हो गया। ये जो 87 है, ये आउटपुट है, और 86 में वो वायर लगता है जो रिले को ऑपरेट करता है। तो हमारा जो स्टार्ट करने वाला, जो हम स्टार्ट करते हैं इग्निशन स्विच से, वो वायर हमारा आके लगेगा 86 में, और 87 का जो वायर है वो डायरेक्ट सोलेनोइड स्विच में गया है। वो जो बैटरी का जो पॉजिटिव वायर है, वो सॉरी, ये जो बैटरी का पॉजिटिव वायर है, ये जाएगा पॉजिटिव में, और जो बैटरी का ये निगेटिव वायर है, वो डायरेक्ट निगेटिव में। ये हमारा स्टार्टर मोटर का कनेक्शन हो गया। फ्रेंड्स, अब क्या होता है, जब हम इसमें इग्निशन स्विच को जैसे ही हम ऑन करते हैं, ये हमारा करंट जाता है यहाँ से फ्यूज़ होकर स्टार्टर रिले में। अब स्टार्टर रिले को पॉजिटिव मिल गया। अब हम जैसे ही स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे पहले से ही ग्राउंड लगा हुआ है, और यहाँ ग्राउंड लगने के कारण जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पॉजिटिव आता है, और ग्राउंड और पॉजिटिव मिलने से रिले क्या करता है, ये 30 पिन को 87 से कनेक्ट कर देता है। अब ये जैसे ही आपस में कनेक्ट होते हैं, ये इग्निशन स्विच का जो मेन है, वो 87 से निकल कर डायरेक्ट स्टार्टर मोटर का जो सोलेनोइड स्विच होता है,
उसमें जाके करंट जाता है और स्टार्टर हमारा काम करता है। फ्रेंड्स ये है हमारा स्टार्ट, जो गाड़ी का स्टार्ट होने का जो सिस्टम है, स्टार्टर मोटर का वर्किंग सिस्टम का, मतलब स्टार्टर जो काम करने लगता है वो स्टार्ट करता है गाड़ी, जो फ्लाईव्हील को घुमाने लगता है उसका सिस्टम है। फ्रेंड्स रिले का अगर वीडियो देखना है कि रिले कैसे काम करता है, तो उसके लिए मेरा वीडियो है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैंने उसमें चारों पिन में वायरिंग करके, मतलब चारों पिन में कनेक्शन करके मैंने दिखाया है कि यहाँ जो कॉयल होता है वो कैसे, कॉयल जो है कैसे वो खींच रहा है, उसमें कैसे मैग्नेट उत्पन्न हो रहा है वो मैंने दिखाया है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा।